नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की। वारसलीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। इसका निर्माण साल 1952 में हुआ था। वर्तमान में यहां के विधायक भाजपा की अरुणा देवी है। आइए जानते हैं वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। साल 2015 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस साल मौजूदा दौर में अरुणा देवी विधायक है। वो भाजपा सदस्य होते हुए चुनावी मैदान में जीत उन्होंने की थी और उन्हें 85,912 वोट मिले थे। इसी सीट पर जदयू से प्रदीप कुमार भी प्रतिस्पर्धा में खड़े थे। उन्हें 66,385 वोट मिले थे और वे तकरीबन 19,527 वोट से पीछे रह गए थे। अब हम साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस साल यहां जदयू और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर थी। प्रदीप कुमार जहां जदयू से थे, वहीं कांग्रेस की अरुणा देवी थी। अरुणा देवी 36,953 वोट प्राप्त कर सकी थी, वहीं प्रदीप कुमार को 42,381 वोट मिले थे। वहीं वो 5,428 वोट से आगे निकलकर विधायक हो गए थे। साल 2005 के चुनावी साल की तरफ हम रुख करें तो इस साल यहां पर दो बार अक्टूबर और फरवरी में चुनाव का आयोजन करवाया गया था। फरवरी में लोजपा से अरुणा देवी विधायक हुई थी, वहीं अक्टूबर में निर्दलीय विधायक प्रदीप कुमार विधायक चुने गए थे। वहीं साल 2000 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। निर्दलीय प्रत्याशी महिला अरुणा देवी ही रही थी। अब हम साल 1995 के चुनावी नतीजों की तरफ रुख करें तो इस साल कांग्रेस का दबदबा रहा था। कांग्रेस पार्टी से रामाश्रय प्रसाद सिंह विधायक घोषित हुए थे। साल 1990 के चुनाव की तरफ रुख करें तो इस साल CPI के टिकट से देव नंदन प्रसाद विधायक घोषित हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ चले तो निर्माण कार्य कराए गए। पुल का निर्माण अहम है। इसके अतिरिक्त स्कूल को उत्क्रमित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान देते हुए कुछ सुधार कार्य करवाए गए हैं। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों को देखा जाए तो यहां युवा, महिला और किसान अहम है। किसानों को सिंचाई और उनके पैदावार से जुड़े विकास को लेकर लगातार सुधार किए जाने की मांग हो रही है। महिला को बढ़ावा दे जाने के लिए उनके शिक्षा और स्वास्थ्य मामलों में सुधार होने को लेकर आवाज उठाए जा रहे हैं। वहीं युवाओं के लिए रोजगार अभी भी ज्वलंत मुद्दा है। साल 2015 में भाजपा से अरुणा देवी विधायक रही थी। 2010 में यहां जदयू से प्रदीप कुमार विधायक थे। साल 2005 में लोजपा से अरुणा देवी का ही वर्चस्व रहा था। वहीं 2000 में वे निर्दलीय विधायक हुई थी। साल 1995 में कांग्रेस से रामाश्रय प्रसाद सिंह विधायक हुए थे और साल 1990 में CPI से देवनंदन प्रसाद का कब्जा रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में से कांग्रेस के सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह मैदान में है, जबकि भाजपा की तरफ से मौजूदा विधायक अरुणा देवी मैदान में है। कुल मिलाकर इन्हीं दो नेताओं के बीच मुकाबला है और देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा को पटखनी देने के लिए कांग्रेस कितना तैयार है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।